पापा आज आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए ना फिशेस के बारे में। चलिए ठीक है, मैं आपको लंग फिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसको लंग फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फिश के पास हमारी ही तरह लंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये एयर में भी सांस ले सकती है, और दूसरी मछलियों की तरह इसके पास गिल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये पानी के अंदर सांस ले सकती है। लेकिन ये यूनिक कैपेबिलिटी इसके अंदर आई कैसे? क्योंकि ये अफ्रीका के कुछ ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे रेन ना होने की वजह से जो पॉन्ड्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये एक ड्राई अप लैंड दिखाया हुआ है, इसमें नॉर्मल फिश सर्वाइव ही नहीं कर सकती बिकॉज वो एयर में सांस नहीं ले सकती। लेकिन ये जो लंग फिश है ये इस एरिया में भी सर्वाइव कर सकती है क्योंकि ये एयर में सांस ले सकती है। पापा एक बात बताइए, इसने सांस तो ले लिया बट खाने पीने के बिना ये कैसे रह सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अब उसी का आंसर मैं दूंगा। इस फिश में एक सेकेंड बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी है, ये अपनी बॉडी को एक हाइबरनेट स्टेट में लेके जा सकती है। ये फिश क्या करती है, ये जो लैंड है इसके सरफेस से थोड़ा सा नीचे चली जाती है और वहां जाने के बाद अपनी बॉडी को एक हाइबरनेट स्टेट में ले जाती है। उस हाइबरनेट स्टेट में इसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत स्लो हो जाता है, तो इसकी बॉडी का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और उस हाइबरनेट स्टेट में ये कोई वेस्ट भी क्रिएट नहीं करती। और इस हाइबरनेट स्टेट में लंग फिश 5 ईयर्स तक रह सकती है, वो भी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। अब हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं इसकी हाइबरनेट स्टेट को स्टडी कर रहे हैं ताकि जो एस्ट्रोनॉट हम भेजते हैं उनको हम एक हाइबरनेट स्टेट में डालकर अंतरिक्ष में भेज दें, तो कई कई सालों तक वो अंतरिक्ष में हाइबरनेट स्टेट में रह सकें और खाना और पीना जो है उनके लिए उसकी जरूरत ना हो। कुछ इमरजेंसी सर्जरीज डॉक्टर लोग करते हैं, उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है कि पेशेंट को हम एक हाइबरनेट स्टेट में भेजें ताकि उसकी जो है लाइफ सेव किया जा सके। हेलो व्यूअर्स, आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो एंड इट वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। So please press the like button and share it with your friends and family members. And in future, we are going to publish many such videos. And to be aligned with our channel, don't forget to subscribe it. And for the notification of new videos, please press the bell icon. Thank you so much for watching.